जब डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ, इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? पीएम मोदी से मिले आचार्य तो कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, भाजपा के साथ नई पारी की शुरुआत करेंगे आचार्य। जैसा कल्की भगवान का आदेश होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। दरअसल ये सभी बातें इस कारण कही जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने एक तानाशाही आदेश दिया और आदेश के तहत आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की सजा उन लोगों को मिल रही है जो कि सनातन के भक्त, भगवान के भक्त, भगवान राम में आस्था रखते हैं, सनातन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस को रास नहीं आती है और इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन पर एक्शन हुआ और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद आज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कांग्रेस की तानाशाही रूल की धज्जियां उड़ा दी। क्या क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। मुझे कल रात कई न्यूज चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? बहुत से ऐसे मोड़ आए, बहुत सी ऐसी बातें आईं। कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे फैसले थे जिनसे मैं सहमत नहीं था। धारा 370 हटाने का फैसला जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया तो ये देश हित में फैसला था, कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इसी तरह 3 तलाक को हटाने का फैसला, यह हमारी मुस्लिम बहनों के हक में था, इसका पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए था। तीसरा, जब डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ है,
इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे मुद्दे आए। एक और बड़ा मोड़ आया जब भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने जब किया, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया तो मैंने इस बात का समर्थन नहीं किया और मैंने ये बात कही कि भारत की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था वो आज तक निभाया है और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अपनी बातों को बड़े पवित्र भाव से रखा है। मैं कांग्रेस के उन सभी नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने श्री कल्की धाम का समर्थन किया, जिन्होंने मेरे प्रति सादर सम्मान व्यक्त किया, जिन्होंने मेरा सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी में आज बहुत मायूसी की लहर है। हर कोई नेता पूछ रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर क्या था। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर यह है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर यह है कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिले? या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर यह है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से मिले? मैं उन सभी नेताओं का आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह के मेरा साथ दिया। लेकिन मैं सभी नेताओं से आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता वो इस देश का सम्मान क्या करेगा। जो शख्स अपनी विरासत को संभाल नहीं सकता वो भारत को कैसे संभाल पाएगा। सब अपनी अपनी जगह सोचें, चिंतन करें। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है।